गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि कुमार जी आज क्लास सिक्स का कुछ सम प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूँ, जिनको आप लोगों ने हमसे पूछने का काम किया था ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। क्लास सिक्स के लिए क्विक आंसर में फाइंड द, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मिसिंग नंबर यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पर हम लोगों ने प्राइम नंबर का क्या डिफिनेशन दिया था कि वह प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो देमसेल्फ और एज वेल एज वन से डिवाइडेड हो जाए, तो मतलब उसी का मल्टीपल हो, तभी उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब उसका दो ही गुणनखंड होगा हिंदी में अगर हम बोले तो, क्या होगा, एक प्राइम होगा और दूसरा वन होगा। तो आइए हम लोग प्राइम ट्रिपलेट की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन प्राइम ट्रिपलेट। तो देखिए थ्री क्या है, थ्री प्राइम नंबर है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो आएगा ट्रिपलेट में वो फाइव होगा। क्यों होगा फाइव, क्योंकि फाइव जो है वन और फाइव का ही टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, इसलिए यही प्राइम ट्रिपलेट है। जो तीनों एक साथ हो उसी को हम लोग प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो 3, 5, 7 ये इसी के समूह में है, ग्रुप में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। दूसरा नंबर पर आते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 13456। तो आपका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, फैक्टर वन, कोई भी डिजिट हो तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर वन ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर वन होगा। और एंड लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, लार्जेस्ट फैक्टर हुआ स्वयं, यानी खुद जो क्वेश्चन दिया गया है वही लार्जेस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट फैक्टर हो गया 13456। फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 450। तो स्मॉलेस्ट तो निकल जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा स्वयं 450 एंड लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 450। तो लार्जेस्ट हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम जितना आगे जाएंगे उतना तो जाना ही पड़ेगा, तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो लार्जेस्ट मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड कर देते या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, अनंत है, तो अनंत को हम तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं चार नंबर पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। कॉमन मल्टीपल निकालना है 3 एंड 6। तो बोले मल्टीपल लिखते हैं हम लोग थ्री का क्या मल्टीपल होगा, 3, 6, 9, उसके बाद हो जाएगा 12, 15, 18। उसी प्रकार 6 का क्या मल्टीपल होगा, देखिए 6, उसके बाद हो गया 12, 18, उसके बाद आपका हो गया 24, 30। तो क्या बोला है, सेकंड कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल ये है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल ये है और ये है, उसके बाद थर्ड कॉमन मल्टीपल ये है और ये है। ठीक है, तो क्या बोला था, सेकंड और थर्ड का, तो देखिए सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकालना है। तो 18 में आपका चला गया 12, क्या निकला डिफरेंस 6। यहाँ भी उसी प्रकार सेकंड और थर्ड का 18, 12 और 18 था कॉमन डिफरेंस, तो हम 18 में 12 डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आया, कॉमन डिफरेंस 6। इसी प्रकार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया क्विक आंसर को। आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।